Hey everyone, this is Anup Barma. Welcome back to my YouTube channel AB Education Adda में। तो फिर आ गए हैं हम नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो हमारी है जो लिटिल गर्ल जो हमने बताया था उसका पार्ट ये थर्ड है। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सीन मेनका मिस्टर अरुणा गुप्ता वाज बिविल्डर्ड। मतलब जब अरुणा गुप्ता ने मेनका को देखा तो वह स्तब्ध रह गई, यानी हक्का बक्का रह गई। बिविल्डर माने क्या होता है? बिविल्डर्ड मीन्स क्या होता है? हक्का बक्का। यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म में लिखा गया, बिविल्डर माने क्या होता है? हक्का बक्का रहना। हक्का बक्का रहने का मतलब किसी चीज को, जब किसी चीज की हमको एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और अचानक वो चीज मिल जाती है तो क्या हम लोग स्तब्ध रह जाते, अरे ये कैसे हो गया। तो वही बात यहाँ पे अरुणा गुप्ता ने कही कि मतलब ये मेनका यहाँ पे कैसे आ गई, वही यहाँ पे वो देख के स्तब्ध रह गई। अब आगे देखिए, फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैप्टर्स होता है। देखिए यहाँ पे पहला कैप्टर्स है। अब देखिए, सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस। मतलब पूछा कि तुमने मेरा घर कैसे ढूंढा। फाइंड माने क्या होता है? पाना होता है। डिड माने किया होता है, डिड माने किया होता है, और यू माने तुम होता है, हाउस माने घर होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देखिए हमने बताया था कि चाहे क्वेश्चन मार्क हो चाहे फुल स्टॉप, उसके बाद जब लेटर आएगा वो हमारा पहला लेटर कैप्टर्स होगा। यहाँ पे देखिए डब्लू हमारा कैप्टर्स है। अब आगे देखिए, व्हाट आ सरप्राइज। सरप्राइज माने होता है आश्चर्यजनक होता है। आश्चर्यजनक यानी जैसे अभी स्तब्ध रह जाना किसी चीज को, अचानक कोई चीज मिलती है तो क्या होता है? सरप्राइज दिया जाता है किसी चीज को। जैसे हम लोग मतलब किसी को बुलाते हैं या फिर मतलब कोई आ जाता है घर पे जिसका हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया तो क्या होता है? सरप्राइज होता है, उसे बोलते हैं आश्चर्यजनक। जैसे कोई चीज अचानक मिल जाए उसे सरप्राइज बोलते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आ सरप्राइज मतलब क्या आश्चर्य की बात है। अब देखिए, मेनका सेड, मेनका ने कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मतलब जन्मदिन मुबारक हो। बर्थडे माने क्या होता है? जन्मदिन होता है, और हैप्पी माने खुशी होता है, यानी जन्मदिन आपका मुबारक हो, आपको मुबारक हो। अब आगे देखिए, थैंक, तो अरुणा गुप्ता ने कहा धन्यवाद। फिर आगे देखिए, इज इट माई बर्थडे टूडे, सी आस्क्ड। तो जो क्या बोलते हैं मेनका थी, उसने पूछा क्या आपका आज बर्थडे है, यानी आज आपका क्या जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता है। आई डिड नो माने क्या होता है? जानना होता है। इसे बहुत लोग कनो पढ़ते हैं जबकि ये गलत है, नो पढ़ा जाता है, इसमें के साइलेंट है। तो आई डिड नॉट नो मतलब मुझे नहीं पता। अब आगे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर देखिए, दिस केक एंड द ग्रीटिंग कार्ड्स से दैट, सेड मेनका। मतलब जब मेनका ने पूछा कि आपका जन्मदिन है तो उन्होंने कहा कि मतलब जब मेनका ने पूछा कि आपका जन्मदिन है तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता। उसके बाद देखिए, दिस केक एंड द ग्रीटिंग कार्ड्स से दैट, मेनका ने कहा कि जो ये ग्रीटिंग कार्ड्स और ये केक है ये बता रहे हैं कि आपका जन्मदिन है। यानी जो कार्ड्स में पत्ते होते हैं, ग्रीटिंग माने अभिवादन होता है, ग्रीट माने क्या होता है? अभिवादन करना। यहाँ पे आईएनजी में लिखा है यानी जीरंड में है, केक माने केक होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे हमारा आगे दिया है, इट्स माय बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं। डाउट माने संदेह होता है, कोई संदेह नहीं। बट व्हाट यूज इट इज, लेकिन इसका क्या उपयोग है, लेकिन इसका क्या उपयोग, जो ग्रीटिंग कार्ड्स मिले थे और क्या बोलते हैं जो केक मिला था, ये सभी का मतलब क्या उपयोग, ये कह रही है। यू सी, तुम देख रही हो कि दिस केक वॉज सेंट बाई आवर गुप्ता कम्युनिटी। मतलब अरुणा गुप्ता ने उससे मेनका से कहा कि जो केक आया है, यहाँ पे सेंड माने भेजना होता है, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट लिखा गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सेंट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पे है, थर्ड फॉर्म है। अब आगे देखिए, सेंट बाई गुप्ता कम्युनिटी माने क्या होता है? समुदाय होता है या संस्था कह सकते हैं। कम्युनिटी माने क्या होता है? समुदाय या संस्था, मतलब जो वो शायद किसी पार्टी से जुड़ी थी, गुप्ता पार्टी से, तो उन्हीं के पार्टी से ये सारे सामान आए थे। अब आगे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर देखिए, दिस ग्रीटिंग कार्ड केम फ्रॉम माई इल्डेस्ट सन। यहाँ पे जो इल्डेस्ट है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इल्डर माने बड़ा भाई होता है, इल्डर माने बड़ा होता है, इल्डर सन माने बड़ा भाई। तो यहाँ पे बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो कह रहे हैं कि दिस ग्रीटिंग कार्ड केम फ्रॉम माई इल्डेस्ट सन, मतलब जो यह ग्रीटिंग कार्ड आया है, ग्रीटिंग कार्ड जो आया है यानी अभिवादन पत्र या फिर पत्ता, कार्ड माने पत्ता होता है, लेकिन ग्रीटिंग कार्ड माने पत्र कहेंगे हम, अभिवादन पत्र जो आया ये मेरे बड़े बेटे के पास से आया है। अब आगे वो मतलब वो जो अरुणा गुप्ता है वो बता रही है। अब आगे देखिए फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे देखिए, दिस वन इज फ्रॉम माई यंगर सन, और ये अगला वाला जो कह रहे हैं जो आया है ये मेरे
बड़े भाई से। यहाँ पे यंगर माने क्या होता है, बड़ा होता है। यंगर मीन्स क्या होता है, बड़ा। सन माने बेटा, एक सन और होता है सूरज वाला, यहाँ पे बेटा वाला है। यश सूर्यन माने सूरज होता है, और यश सूर्यन माने बेटा होता है। माई माने मेरा होता है, और फ्रॉम माने से कह सकते हैं। ये फ्रॉम हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यानी ये वाला जो हमारे मेरे मतलब बड़े बेटे से है। अब अगला देखे फिर क्या कह रही है, एंड दिस वन इज फ्रॉम माई ओनली डॉटर। अब जो अगला कोई और था समान, वो मतलब कह रहे हैं कि ये जो ये केवल मेरी बड़ी बेटी से, मतलब मेरी बड़ी मतलब बड़ी बेटी नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि एंड दिस वन इज फ्रॉम माई ओनली डॉटर। ये वाला जो गिफ्ट था, ये मेरे मेरी बेटी ने दिया है, मेरी बेटी के पास से है। ओनली डॉटर माने मेरी केवल बेटी के पास से है, मतलब मेरी बेटी के पास से है। आगे देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर दे ऑल लिव अब्रॉड। यहाँ पे अब्रॉड माने क्या होता है, अब्रॉड माने विदेश होता है। क्या होता है, अब्रॉड माने विदेश होता है, लिव माने रहना होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लिव होता है, एक लिव होता है। लिव माने छोड़ना होता है, एल ई ए वी ई होता है, यहाँ पे एल आई वी ई है, यहाँ पे रहना वाला है। और जो ये लिव होता है, एल ई ए वी ई, उसका मतलब छोड़ना होता है। किसी जगह के जब जहाँ रहते हैं हम, वहां पे जब छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे लिव करते हैं, यानी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे दे आर लिव एब्रॉड, मतलब बता रहे कि वो मतलब इनके जो दोनों बेटे और बेटियां, ये सब कहाँ रहती है, एब्रॉड यानी विदेश में रहती है। एब्रॉड मीन्स क्या होता है, विदेश में। आप इसे चाहे नोट करते जाइएगा, हम फिर बता रहे हैं, वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी अच्छी है। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप। दे रेगुलरली सेंड मी मनी, मतलब वो हमेशा मुझे पैसे भेजते हैं। यहाँ पे देखिए सेंड सेंड यहाँ पे दिया है, देखिए सेंड माने पैसा भेज, रेगुलरली माने रोज, हमेशा होता है, मनी माने पैसा होता है। अब आगे देखिए, दे विश मी बर्थडे विदाउट ट्राइंग टू नो वेदर आई एम हैप्पी और नॉट। अब यहां पे देखिए पहले मीनिंग देखिए, विश माने क्या होता है, विश माने इच्छा होता है, या फिर विश माने क्या होता है, किसी को बधाई देना। क्या होता है, किसी को बधाई देना, बधाई देना। बर्थडे माने जन्मदिन होता है, विदाउट माने के बगैर, विदाउट माने के बगैर, ट्राइंग माने कोशिश करना, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है, नो माने जानना होता है, वेदर माने यदि होता है, वेदर माने यदि या चाहे कह सकते हैं आप, आई माने मैं यहाँ पे दिया है, उसके बाद हैप्पी माने खुश, और माने या होता है, ओ आर और मीन्स या होता है। अब आगे यहाँ पे देखिए इसका हम आपको मीनिंग शॉर्ट आउट करके दिखा रहे हैं। दे विश मी बर्थडे विदाउट ट्राइंग टू नो वेदर आई एम हैप्पी और नॉट। मतलब अरुणा गुप्ता कह रहे हैं कि वे हमेशा मुझे बर्थडे पर विश करते हैं, यानी बधाई देते हैं, बिना किसी बिना ये जाने कि मैं खुश हूं या नहीं खुश हूं, बिना ये जाने ही वो मुझे बर्थडे गिफ्ट करते हैं, ये बात कह रही हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप। वेदर आई वांट कंपनी, यदि मुझे अगर कंपनी की जरूरत है, कंपनी मतलब होता है किसी के साथ का कंपनी। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो किसी को साथ मिलवा जाते हैं, अरे यार साथ में चलो काम है थोड़ा बहुत, तो क्या होता है कंपनी मिल जाती है हमको, तो वो क्या कहलाता है, कंपनी मतलब साथ देना, किसी के साथ जाना कंपनी। तो साथ हो जा मतलब कह रहे हैं कि वेदर आई वांट कंपनी, यदि मुझे अगर मतलब साथी की जरूरत होती है, तो वेदर आई वांट देम विथ मी, वेदर आई वांट देम विथ मी, तब मैं उन्हें अपने साथ पाती हूं, तब मैं उन्हें, वेदर आई वांट देम विथ मी, मतलब जब मतलब मेरी जरूरत होती है तब वो मुझे याद करते हैं, ये भी कह सकते हैं आप। वेदर आई वांट देम, यदि मुझे जब उनकी जरूरत यानी चाहत होती है, विथ मी, वो हमारे पास होते हैं, ये कह रही है, वे हमारे पास होते हैं। अब आगे देखिए फुल स्टॉप। फिर दे जस्ट सेंड ग्रीटिंग्स, उन्होंने मुझे अभी हाल ही में भेजा है, ये जो ग्रीटिंग्स सारे जो अभिवादन है, उन्होंने अभी जस्ट हाल ही में भेजा है। यहाँ पे ग्रीटिंग्स माने क्या होता है, अभिवादन होता है, यहाँ पे जस्ट माने तुरंत होता है, मतलब ये जो भेजा है ये तुरंत आया है, मतलब कह रहे जस्ट माने तुरंत, ये जस्ट ग्रीटिंग्स यानी जो अभिवादन पत्र अभी आए हैं। अब आगे देखिए, दे डोंट हैव टाइम टू सी दिस सोलेट्री ओल्ड ओमेन। अब यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे मीनिंग देख लीजिएगा, सोलेट्री माने क्या होता है, अकेला होता है, क्या होता है, अकेला होता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि दे डोंट हैव टाइम टू सी दिस सॉलिटरी ओल्ड वोमेन, मतलब जब वो लोग एब्रॉड रहती है, विदेश में रहती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है कि ये जो अकेली यानी बूढ़ी औरत है, अकेली इस मतलब इनको देखने के पास उनके लिए समय नहीं है, ये बात कह रही है। अब आगे देखिए फुल स्टॉप। फिर व्हाट यूज आर दीज ग्रीटिंग्स, मतलब इन सारे जो अभिवादन का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, जब वो हमारे मतलब मेरे दुख या मुसीबत में काम नहीं आ सकते, या फिर तो क्या मतलब है इन ग्रीटिंग्स का, ये बात कह रही है। अब आगे देखिए, मिस्टर अरुणा गुप्ता बिकेम क्वाइट ब्रीथलेस,
मिस्टर अरुणा गुप्ता क्या हो गई, क्वाइट माने का होता है शांत होता है, क्वाइट माने शांत हो जाता हो जाना होता है, या फिर चुप हो जाना, या फिर अस्तब्ध रह जाना कह जाना। अब ब्रीथलेस माने होता है कि सांस ना ले पाना, एकदम शांत हो जाना, तब क्या होता है वो ब्रीथलेस, यानी जो ब्रीथ अगर किसी भी सेंटेंस में यल ई डबल जस्ट लास्ट में लग जाता है उसका मतलब निगेटिव निकलने लगता है, यानी ब्रीथ माने सांस लेना होता है, अगर यल ई एस लग गया डबल एस तो क्या हो गया ब्रीथलेस, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहे, मतलब वो मिस्टर अरुणा गुप्ता बिकेम क्वाइट ब्रीथलेस, मतलब मिस्टर अरुणा गुप्ता जो थी वो बगैर सांस के हो गए, मतलब अब सांस नहीं ले पा रही थी उनको, ऐसा हो गया। अब आगे देखिए, मेनिका केम नियर हर विथ हर डैम्प आइज, मेनिका क्या थी, मेनिका जो थी वो उनके पास पास और पास जाती, मतलब पहुंचती है और उनके आंखों में देखती है, तो उनकी आंखें क्या थी, डैम्प थी। डैम्प माने होता है नम होना, क्या होता है नम होना, जब हमारे आंखों में आंसू आ जाता है तो हमारी आंखें जब भर जाती है उसे नम बोलते हैं, नम मतलब डैम्प माने का होता है नम, आंखें भर आना, डैम्प मीन्स क्या होता है आंखें भर आना, तो मेनिका ने जब उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखें भरी हुई थी, ये बात कह रहा है। अब आंखें देखिए, आगे देखिए, सी एम्ब्रेस्ड हर, एम्ब्रेस्ड माने क्या होता है गले लगाना, ई एम बी आर ए सी डी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसे आप नोट कर दीजिएगा, सी एम्ब्रेस्ड एम्ब्रेस्ड हर, मतलब जो मेनिका थी उसने उसे गले लगा लिया, मेनिका ने गले लगा लिया औरत को। अब आगे देखिए, मिस्टर अरुणा गुप्ता आस्क्ड, मिस्टर अरुणा गुप्ता ने पूछा, कांट यू कॉल मी ग्रैंड मदर, मतलब कह रही है कि जब अरुणा गुप्ता मतलब वो गले लगा ली तो अरुणा गुप्ता कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे दादी माँ बुला सकती हो, ये कह रही है। अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब वो कहना चाह रही थी लेकिन वो डर रही थी, तो इसमें क्या है, जो अरुणा गुप्ता देखिए यहाँ पे क्या कह रही है, मिस्टर अरुणा गुप्ता आस्क्ड कैंट यू कॉल मी ग्रैंड मदर, कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे दादी माँ कह सकती हो, तो उसके बाद वो जवाब दे रही है मेनिका, देखिए आई वॉन्टेड इट फॉर लॉन्ग ग्रैंड मदर, मतलब ये बात मतलब मेनिका कह रहे हैं कि मैं काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी कि मैं आपको ग्रैंड मदर कहूं, क्या कह रही कि मैं काफी लंबे समय से चाहती थी कि मैं आपको ग्रैंड मदर कहूं, यानी दादी माँ, ग्रैंड मदर माने क्या होता है दादी माँ होता है, ग्रैंड फादर माने दादाजी होता है। अब आगे देखिए, सेड मेनिका, मतलब मेनिका ने कहा कि मैं बहुत पहले से ही चाहती थी कि मैं आपको ग्रैंड मदर कहूं, फिर अब आगे देखिए, अब फुल स्टॉप, फिर पहला लेटर देखिए हमारा कैपिटल्स है। अब आगे देखिए, दे बोथ बस्ट आउट क्राइंग, मतलब जब ये मतलब वो कह दी दादी तब क्या हुआ, दोनों क्या हो गई, बस्ट आउट माने होता है आंसू फूट पड़ना, बस्ट आउट मीन्स क्या होता है आंखों से आंसू निकल पड़ना, इसे बस्ट आउट बोला जाता है। तो दे बोथ बस्ट आउट क्राइंग, मतलब वो दोनों फूट फूट कर रोने लगी, मतलब दोनों की आंखों में आंसू आ गया और वो क्राइंग करने, क्राइंग माने क्या होता है चिल्लाना या फिर रोना कह सकते हैं आप, क्राइंग मीन्स क्या होता है चिल्लाना या फिर रोना, क्राई होता है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है, जीरेंड है। अब आगे देखिए फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे द टीयर, यहाँ पे टीयर माने क्या होता है आंसू होते हैं, टीयर मीन्स आंसू, जब रोते हैं जो पानी निकलता है उसे क्या बोलते हैं टीयर यानी आंसू बोलते हैं। रोल्ड, रोल्ड माने क्या होता है घूमते हुए, रोल्ड माने घूमते हुए, तो यहाँ पे कह रहा है द टीयर रोल्ड डाउन दियर चीक्स, तो मतलब जो आंसू थे वो क्या उसके चीक माने क्या होता है गाल होता है, उसके गालों पर रोल करते यानी घूमते हुए निकलने लगे उसके गाल से, गाल पे यानी उसके गाल पे आंसू बहने लगे। अब आगे देखिए फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे पहला लेटर हमारा देखिए कैपिटल्स, इसे आप ध्यान दीजिए कि हम बार बार बता रहे हैं कि फुल स्टॉप के बाद हमेशा पहला लेटर कैपिटल्स होता है, अगर कहीं भी नाम आता है किसी भी इंसान का या किसी स्थान का तो वहां पे हमेशा पहला लेटर उसका कैपिटल्स होगा। अब आगे देखिए, द टीयर्स इंडिकेटेड दियर इनर हैप्पीनेस, मतलब जो आंसू है, टीयर मीन्स आंसू होता है, इंडिकेटेड माने दर्शाना होता है, क्या होता है इंडिकेटेड माने दर्शाना, दियर माने अपने होता है, दियर माने अपने या उनके कह सकते हो, ये इन दोनों के लिए बात हो रही है, यहाँ पे इन दोनों के लिए आया है दियर, TH EIR, इनर माने होता है आंतरिक, IEER, इनर मीन्स क्या होता है आंतरिक, हैप्पीनेस माने क्या होता है खुशी, तो यानी जो ये आंसू थे ये उनके अंतरात्मा की खुशी को दर्शा रहे थे, उनकी अंतरात्मा को दर्शा रहे थे। तो ये हमारा द लिटिल गर्ल का चैप्टर का पार्ट थर्ड था, आज ये खत्म हो गया, अब अगले अगले वाले वीडियो में हम आप नए मतलब नई स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने बताया अर्थ और वर्ड मीनिंग वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगी, और हम फिर कह रहे हैं आप वर्ड मीनिंग को नोट करते जाइए ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय संविधान।